तो कैसे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सलमान। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं द फ्रिज सेक्शन। फ्रिज में मॉडल हम एक्सप्लोर करेंगे। मॉडल दिखने में बाकी बहुत खूबसूरत है, ऐसा कि नो स्टनिंगली स्टाइलिश मॉडल है ये बिल्कुल, जहाँ पे दिखना बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ कैपेसिटी के बारे में। पहले लगभग जहाँ पे इंडिया में मैक्सिमम लोग लगभग 400 लीटर का फ्रिज लेते हैं, तो बिल्कुल आज हम वहीं एक्सप्लोर करेंगे। ये 390 लीटर का फ्रिज है, स्टनिंगली स्टाइलिश मॉडल आप बोल सकते हो इसे। As you can see, without open the door, first it's infi flat design, पूरा फ्लैट है, जहाँ पर किसी भी इसको किचन में डब्बे में रखोगे वाकई बहुत अच्छा खूबसूरत और बेहतरीन लगेगा। इन फैक्ट आप नजदीक जूम कर देखेंगे, इसको बोलते हैं अर्बन स्टील। ये नजदीक से आपको लाइन दिखाई देती है, दूर से थोड़ा ये इतना नहीं दिखेगा, बट स्टिल whenever you visit at outlet, check out this model, it's really amazing। ताकि कोई भी किचन में डब्बे में रख दो, ये बहुत ही वंडरफुल लगने वाला है। ओके, एंड लेट्स विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स एक्सप्लोर दिस। ये रहा हमारा फ्रीजर सेक्शन। फ्रीजर सेक्शन इसकी खास ये है कि मुझे लगा नाउ दे आर गिविंग यू द कन्वर्टेबल फीचर्स के साथ, जहाँ पे आप इसको कन्वर्टेबल यूज कर सकते हो। हम हर महीने बेसिकली बहुत सारी जगह डीमार्ट, बहुत सारी जगह शॉपिंग करने जाते हैं। जब भी हम डीमार्ट से आपको ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं तो क्या होता है, व्हेन यू रिक्वायर्ड अ बिग फ्रिज, तो आप इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपका 100% फ्रिज बन जाएगा। यानी कि नॉर्मल हर एक स्टफिंग जो यहाँ रखते हो उसको आप किसी में भी रख पाओगे, ये उसको बर्फ नहीं बनाएगा, एज ए रेगुलर आपका फ्रिज बन जाएगा। That is the best features and the benefit of this convertible. Okay. Second, अगर हम फ्रीजर नोटिस करें तो इसमें काफी अच्छा आइस बॉक्स दिया हुआ है, इस तरह करके आप ट्विस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपका आइस क्यूब निकल आएगा। ओके, इसके अलावा ये मूवेबल भी है, इसको आप मूव भी कर सकते हो, यहाँ पर टेक लगा इसको आप मूव कर सकते हो, यहाँ राइट टू लेफ्ट मूव हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ और भी बहुत अच्छी खास है तो जो आपको नोटिस करने से बिफोर परचेसिंग। ये देखिए फ्रीजर सेक्शन में इन्होंने जो पॉकेट हैंडल दिया है, इट्स रियली ह्यूज डेप्थ, ये काफी अच्छा है बिकॉज हमारे इंडियन स्पाइसेस बॉक्स मसाले आने बहुत जरूरी है। जहाँ पर देखेंगे एलजी एक लौता ब्रांड है मार्केट में, जहाँ पर आपको दोनों पॉकेट बिग साइज देता है, विच इज बिग सम फॉर दैट। आप अगर देखेंगे कॉम्पिटिशन में पहले देते हैं बेसिकली बहुत कॉम्पैक्ट, थिन एंड नैरो, विच इज नॉट यूज्ड। अगर कोई देता भी है तो सिर्फ एक देता है, एक नहीं देता है, दैट अगेन वोंट वर्क फॉर यू। जहाँ पे आप फ्रिज देखते हैं वहाँ पे यूटिलिटी स्पेस देखना बहुत जरूरी है। सो फ्रीजर के लिए बिग थम, रियली आई लाइक अबाउट दिस। ओके, सो लेट एक्सप्लोर अ फ्रिज सेक्शन। फ्रिज पोर्शन भी काफी बड़ा है दिखने में। देखिए सामने दिया है पुल आउट ट्रे, बॉटम में टू शेल्फ्स एंड वेजिटेबल बॉक्स। ठीक है, तो चलिए बारे बारे एक चीज देख लेते हैं। पुल आउट ट्रे काफी अच्छा दिया हुआ है, तो देखिए आपको फुल हो जाता है। इसके अलावा लुक एट दिस साइज, जहाँ पे एक्चुअल आप देखेंगे तो आपको जो डेली प्रोडक्ट सकते हैं ना, मिल्क हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, आपने कहा पहले गर्म भी कर लिया, तो यहाँ पे साइज अच्छा प्रोडक्ट सकते हो। यहाँ पे आज भी बहुत सारे ब्रांड्स देने के लिए नाम के लिए देते तो हैं, और उसका बहुत मिनी साइज होता है, यहाँ पे एक्चुअल आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द रियली गुड पार्ट ऑफ दिस, जिस कंपनी खाली ब्रांड देने के लिए देती है, वो चाहती है कि आप चीज को यूटिलाइज भी करो, दैट्स गुड। देन पिक्चर हैज गुड वेल ऑर्गेनाइज्ड द शेल्फ। देखिए दो शेल्फ के बीच का डिस्टेंस देखिए काफी अच्छा चल रहा है, स्पेस दिया है, इट्स रियली वर्क, जहाँ पे आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रख सकें। ओके, एंड 390 लीटर में कंपनी कितना बड़ा वेजिटेबल बॉक्स देती है, चलिए चेक करते हैं। रियली अमेजिंग विद साइज। हमने ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के फ्रिजेस को ओपन कर देखा, बेसिकली लगभग 400-350 रुपए, टू स्मॉल, बट लुक एट दिस, इट्स रियली टू बिग। जहाँ पे आप सिर्फ वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल्स दोनों भी काफी अच्छे से स्टोर कर सकते हैं विद अ गुड मैनर, ताकि आपको इतना ज्यादा डंप करने की जरूरत है, आप अच्छे से स्टोर करके रख पाओगे जगहों पे रख पाओगे चीजों को, ताकि आपकी हैजल न हो, आप कंफर्टेबल रख सको। गुड साइज से बेनिफिट ये होता है कि आप चीजों को अच्छे से रख पाओगे। आई रियली इम्प्रेस कंपनी ने इतना बड़ा वेजिटेबल बॉक्स बेसिकली 390 लीटर में दिया, दैट इज अ प्लस पॉइंट। तो चलिए सर रख देते हैं। मुझे लगता है जहां भी मॉडल डिस्प्ले होगा, आज आप वीडियो देख लेते हो तो उसके बाद आपको दूसरा फ्रिज 400 लीटर कैपेसिटी में पसंद बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज़ लुक एट दिस साइज, देखिए कितना बड़ा है, देखिए
इतना बड़ा बेसिकली ब्रॉड चीज होगा आ जा रहा है सो इट्स रियली वर्थ इट। जहाँ आपको दो रैक्स मिलेंगे यहाँ पे जैसे वाटर बॉटल्स रैक एंड यहाँ कमरे नहीं देती तो भी चलता तभी भी उन्होंने जगह को यूटिलाइज किया स्मार्टली। जहाँ पे आपको जो कैप्सूल बॉटल होती है बेसिकली वो सारी चीजें आ जाएंगी। इट्स टू ब्रॉड ऑल्सो काफी अच्छा इसमें काफी लंबा है तो काफी सारी चीजें आप यहाँ भी रख सकते हो। कंपनी ने हर एक स्पेस यूटिलाइज किया दैट रियली सल्यूट फॉर दैट। डिजाइन काफी अच्छा किया हुआ जो कस्टमर्स को पेन पॉइंट होता है उसको उन्होंने सब चीज को टैकल किया है। एंड लुक एट दिस डोर, डोर भी काफी थिक है। इसका ये फायदा होता है ना अंदर की तरफ टेम्परेचर कम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लगभग -18 चल रहा है, ये +4 डिग्री होता है तो कूलिंग को मेंटेन ऑप्टिमम रखने के लिए डोर की थिकनेस जरूर ताकि बाहर के एम्बिएंट से इतना अंदर इम्पैक्ट ना हो। खासकर हम किचन में रखते हैं तो वहाँ पे क्या टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है तो वहाँ पे इट्स रियली हेल्प टू मेंटेन द कूलिंग इनसाइड। ओके तो चलिए हमने काफी अच्छा एक्सप्लोर देख लिया, डिजाइन देख लिया, इसके अंदर साइज देख लिया। लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर टेक्नोलॉजी। कंपनी गिव अ स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर, इट्स रियली फैंटास्टिक फीचर्स जिससे ये फायदा होता है कि ऑफ कोर्स इट्स वर्क ऑन द वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड में चलता है ये ऑन ऑफ कंप्रेसर नहीं कि लाइक ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता है। इट्स वर्क ऑन द वेरिएबल स्पीड जिससे कूलिंग एफिशिएंट अच्छी होती है, ऑप्टिमम टेंपरेचर में बना रहेगा। सेकंड स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर है, इट हैज 2-स्टार रेटिंग एंड इट्स कंज्यूम लेस देन 1 इन अ डे। लेट मी शो यू, ये देखिए यूनिट पर ईयर, देखिए ये पर ईयर 290 यूनिट लूज होगी यानी कि एक साल में 365 दिन होता है कि 24/7 चलेगा 365 डेज तभी कितना रन होगा 290। इट मीन लेस देन 1 इन अ डे तो 1 हाई एफिशिएंट। जहां पे स्मार्ट को देखते हैं यू कैन बाय। ओके इसके अलावा और कुछ फीचर्स हैं आपको बता देता हूँ। ऑटो स्मार्ट कनेक्ट यानी कभी लाइट जाती है उसको होम इन्वर्टर पे भी क्या कर सकते हो चला सकते हो। स्मार्ट डायग्नोसिस डिटेक्ट प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली, ये काफी अच्छे रिक्वायरमेंट है बिकॉज फ्रिज तो इंडस्ट्री में हर कोई बेच रहा है तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू कर रहे हैं हालांकि बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं सर्वाइव इन दिस कैटेगरी। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है बेसिकली बोलते हैं ऑटो स्मार्ट कनेक्ट स्मार्ट डायग्नोसिस डिटेक्ट प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली। आज बेसिकली हम चाहते हैं सर्विस वीक हो, प्रोडक्ट तो हर भी बना सकते हैं बट सर्विस मिलना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे स्मार्ट डायग्नोसिस थ्रू सब प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है जिससे क्या होगा जब टेक्नीशियन विजिट करेगा ऑन द फर्स्ट विजिट इट रिजॉल्व द प्रॉब्लम, इट्स नॉट रिक्वायर्ड मल्टीपल विजिट। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एंड इट वर्क विदाउट स्टेबिलाईजर। ऑफकोर्स कहीं कहीं कभी कभी लाइट आती चली जाती है, मेट्रो सिटीज में तो नहीं होता बट उसके अलावा काफी सारी जगह पर लाइट बहुत ज्यादा आती जाती है या कभी मेट्रो सिटीज में लाइट आती जाती है फ्लक्चुएट होती है तो प्रोडक्ट क्या होता है खराब हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए इसलिए कंपनी देती है वर्क विदाउट स्टेबलाइजर। अगर 100 से लेकर के 300 तक का भी आपको फ्लक्चुएशन करता है 310 तक का तो प्रोडक्ट को कुछ हानि नहीं होगी। दैट इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस सेफ्टी विद द हाई टेक्नोलॉजी के साथ विद अमेजिंग गुड लुकिंग फीचर्स एज वेल। उम्मीद करता हूँ आपको मॉडल बहुत अच्छा लगा होगा। इनफैक्ट रियली मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इवन इफ यू हैव एनी इंक्वायरी कि आप कोई दूसरा मॉडल सर्च कर रहे हैं सो मार्क इन द कमेंट जस्ट लेट मी नो, I'll explain that also. If possible, make video also for that. तब तक के लिए बने रहिए इस तरह में लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। Stay tuned. Thank you.